मित्रों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि पिछले 22 तारीख से लगातार लॉकडाउन की वजह से हमारे आर्थिक संसाधन काफी कम हुए। यद्यपि अप्रैल के महीने में हमारा कलेक्शन टैक्स आदि का कम होता है, लेकिन फिर भी अकेले अप्रैल की जो डिमांड थी 12,141 करोड़ रुपए का टैक्स की डिमांड थी और उसके अगेंस्ट में हमारा कलेक्शन 1,178 करोड़ रुपया हुआ। तो ये अपने आप में बहुत डाउन हुआ और हमारी आर्थिक स्थिति काफी इस महीने कमजोर रही। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लिए आवश्यक था कि हम अतिरिक्त संसाधन जुटाएं और अतिरिक्त संसाधन जुटाने की श्रृंखला में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हाँ जी, आज कुल 10 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें से डीजल और पेट्रोल, बाकी सभी आइटम तो जीएसटी के दायरे में आते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो इस पर आज 2 रुपया पेट्रोल पर प्रति लीटर और 1 रुपया डीजल पर प्रति लीटर वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। 1 रुपया डीजल प्रति लीटर, वर्तमान में जो डीजल और पेट्रोल का जो हमारे इस समय तक जो टैक्स रेशियो है 26.80 रुपए पेट्रोल पर या 16.74 प्रति लीटर, 26.80% या 16.474% प्रति लीटर, इसमें से जो भी अधिक हो, क्योंकि पेट्रोल का रेट जो है वो घटता बढ़ता रहता है मांग और सप्लाई के आधार पर, इसलिए जो भी अधिक हो वो लगता है। वर्तमान में 16.74 रुपए प्रति लीटर लग रहा था और डीजल पर 17.48% या 9.41 रुपए प्रति लीटर। तो जो वृद्धि हुई है वो 16.74 रुपए के स्थान पर 18.74 रुपए प्रति लीटर लिया जाएगा और 9.41 रुपए के स्थान पर डीजल में 10.41 रुपए चार्ज किया जाएगा। नए प्राइस बताए दे रहे हैं जी, बैट नए प्राइस पेट्रोल के अभी वर्तमान में 71.91 रुपए है, जिसको बढ़ाकर अब 73.91 रुपए हो जाएगा और डीजल का वर्तमान प्राइस 62.86 रुपए है, इसके स्थान पर 62.86 रुपए। इसके स्थान पर 63 रुपए और 63.86 रुपए होगा।
अभी भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि दिल्ली ने एक साथ 7 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई, लेकिन हमने विशेष रूप से डीजल की खपत किसानों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में और इंडस्ट्री में, सभी में काम आता है, इसलिए हमने सारी परिस्थितियों को देखते हुए, तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डीजल पर मात्र 1 रुपया प्रति लीटर का वृद्धि की गई है और यह तत्काल प्रभाव से लागू है। इसी प्रकार से 71 रुपये 91 पैसे जो वर्तमान पेट्रोल मूल्य है, वर्तमान में 71 रुपये 91 पैसे पेट्रोल का मूल्य है, इसमें 2 रुपये की वृद्धि अगर शामिल की जाए तो ये 73 रुपये 91 पैसे ये आज ही से लागू होगा, आज रात्रि 12 बजे से। जी हाँ, ये विशेष रूप से अपने संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से ये निर्णय लिया गया है। जो अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए हैं उसके हमारी वर्तमान में पेट्रोल की खपत 470 करोड़ लीटर है तो डीजल की खपत 1130 करोड़ लीटर की रही है। जो वृद्धि हुई है उसको शामिल करके हमें 2070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू जी प्राप्त होगा। हाँ जी, 24 घंटे का है या कितने दिन का है ये चौबीस? एक साल का, ये 31 मार्च तक का, एक साल मार्च, 3 वर्ष का, एक साल मार्च। जी हाँ, नहीं अब तो ये लागू रहेगा ना, ये जो हमारी पेट्रोल और डीजल की खपत रही है 470 करोड़ लीटर पेट्रोल और 1130 करोड़ लीटर डीजल की खपत है, अगर हम इस वृद्धि को शामिल करेंगे तो इसमें अतिरिक्त हमको 2070 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त होगा। जी दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय इसी श्रृंखला में और लिया गया है, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से शराब की बिक्री बंद हुई और शराब की बिक्री बंद होने से अवैध शराब, चूंकि लोगों की फूड हैबिट्स में खाने पीने की आदतों को बहुत ज़्यादा जल्दी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ना उसके ऊपर चेक लगाया जा सकता, तो लोगों को जब शराब नहीं मिली तो उन्होंने अवैध शराब का पीना शुरू कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि अवैध शराब बड़े पैमाने पर गांव-गांव बनने लगी। 88,020 लीटर शराब अवैध शराब ये पकड़ी गई, ये हमारे पास मई के पहले हफ्ते तक का आंकड़ा है, ये 4 मई को हमने जब रिपोर्ट निकलवाई तो ये पता चला कि 80,020 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। जी एक इसी महीने में, इसमें जी 80,020 अवैध शराब, इसके अलावा 499 भट्टियां पकड़ी गई, इसमें 3526 FIR दर्ज हुई और गिरफ्तार हुए 3627 लोग, कुल अभियुक्त गिरफ्तार हुए। तो ये एक बहुत बड़ा
ये खतरा बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई शराब पीने से लोग मरे। और हद तो तब हो गई कि जब तीन लोगों ने, आपस में दोस्त लोग थे, जब उन्हें शराब नहीं मिली तो उन्होंने सैनिटाइजर पी लिया, और सैनिटाइजर पीने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई। ये बाकायदा इसका मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है, क्राइम नंबर 334, जिला गाजियाबाद, थाना मोदी नगर। जी, सैनिटाइजर पीने से ये है, ये मोदी नगर कार्रवाई हो रही है। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो अवैध शराब का चलन बढ़ गया, उससे हमेशा ये खतरा बना रहता था कि पता नहीं अवैध शराब पी के लोग फिर से उनका देहावसान न हो जाए, उनकी अकाल मृत्यु न हो जाए, एक बराबर खतरा बना रहता था। और साथ ही साथ जब आपके सामने उदाहरण है कि मोदी नगर गाजियाबाद में शराब न मिलने से, चूंकि ये सैनिटाइजर जो है इसमें बड़े पैमाने पर अल्कोहल की मात्रा होती है, तो उन्होंने जब शराब नहीं मिली तो सैनिटाइजर पी लिया, और सैनिटाइजर पीने का परिणाम हमारे सामने है। कानपुर में भी तीन अवैध शराब पीने से मौत हुई, कानपुर में। तो सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस हमारा जो वर्तमान में जो आबकारी नीति है उस पर भी कुछ अतिरिक्त वृद्धि की जाए, अतिरिक्त वृद्धि। और जो वृद्धि हमें भी आपके सामने पढ़ के सुनाई दे रहे हैं कि जो देशी शराब है उसके ऊपर तो मात्र 5 रुपए की वृद्धि हुई, जो 65 रुपए की वो मिलती थी बोतल, वो 70 रुपए में बिकेगी। इसमें 36% बीबी, 65 रुपए वाली 70 रुपए में, और 75 रुपए वाली देशी मदरा और 75 रुपए वाली 80 रुपए में, ये 42.8% बीबी। ये उसकी तीव्रता है, उसकी तीव्रता इसी उसमें आकी जाती है। तो 65 रुपए वाली 5 रुपए मिलाकर 70 रुपए में, और 75 रुपए वाली 5 रुपए मिलाकर 80 रुपए मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो विदेशी मदरा है उसमें विदेशी मदरा पर भी जो वृद्धि की गई है, बता दें 180 ml तक इकोनॉमी 10 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपए, और 500 ml से अधिक 30 रुपए। इकोनॉमी में विदेशी मदरा इकोनॉमी में 180 ml तक 10 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपए, और 500 ml से अधिक 30 रुपए। ये वृद्धि की गई, जो वृद्धि है वो वृद्धि का रेट हमने बता दिया आपको। इसके अलावा मीडियम, ये इकोनॉमी क्लास है, अब मीडियम में आइए, 180 ml तक मीडियम में 10 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपए, 500 ml से अधिक 30 रुपए। मीडियम रेगुलर 180 ml तक 20 रुपए, रेगुलर में 180 ml तक 20 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 30 रुपए, 30 रुपीज रेगुलर, और 500 ml से अधिक 50 रुपए। अब प्रीमियम एक सौ अस्सी एम एल तक 20 रुपए, 180 ml से 500 रुपए, 500 ml तक 30 रुपए, 500 ml से अधिक 50 रुपए। बताया
बताए दे रहे हैं सर, जो हेडिंग जो है वो बताए दे रहे हैं आप, हेडिंग बताए दे रहे हैं। अब जो समुद्र पार से जिसे कहते हैं फॉरन लीकर, समुद्र पार से जो आयातित होती है इंपोर्टेड, उस पर 100 रुपए 180 ml तक, 180 ml से 500 रुपए, 500 ml तक 200 रुपए, और 500 ml से अधिक 400 रुपए। जी 100, 200, 500 सबसे छोटा वाला 100, अद्धा 200, और 500 से ऊपर 400। ये आपको हेडिंग दे सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रुपए, रुपए में है इसमें, इसमें बताया तो आपको, आपको मात्रा बता दी, और जो 180 ml तक का जो भी आएगा उसमें 100 रुपए, 180 ml से 500 तक 200 रुपए, और 500 ml से अधिक 400 रुपए, तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से लागू होगा आज ही से, आज ही से, आज ही से। 23 ये आज से ही लागू है, रात से, आज से लागू है, आज रात से। और ये करीब 2,350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इससे मिलना प्रस्तावित है। जी जी जी, 2,350 करोड़ रुपए वर्ष 2020-21 में इससे मिलना प्रस्तावित है, जो वर्तमान में 2,350, जी इसी वित्तीय वर्ष में 2020-21 में 2,350 करोड़ रुपए मिलना प्रस्तावित है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए हम आभारी हैं, और मैं समझता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति